दोस्तों ये आपको स्कूटी नज़र आ रही होगी, जो ये लोग बोलते हैं बिना क्वालिटी के काम करो, ये बिना क्वालिटी के काम करने के नतीजे है। अच्छे लोगों से इवेंट कराए, अच्छा काम कराए, आप खुश रहेंगे। हेलो एवरीवन, आपका अपना गंडू भाई हो चुका है रेडियो, निकलते हैं आज के सफर में। और सबसे पहले जाने वाला हम ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पर आ चुका हमारा एक ज़रूरी सामान, तो वो लेते हैं और गोडाउन पर उसको करते हैं शिफ्टिंग और फिर निकलेंगे आज के सफ़र में। और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत दिन के बाद ये व्लॉग आया है, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में व्लॉग बनाया गया है और काफ़ी दिन हो गए हमें भी व्लॉग बनाए हुए, बट रहा नहीं जा रहा है व्लॉग बनाए बिना। हमारा सामान आ चुका है, आप सब देख सकते हैं, न्यू एंट्री कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं हम, और हमने भरवा दिया है इसको और ये गाड़ी निकलने वाली है। टन 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 टन, हमारा गेट आ चुका है, अब हमको आने वाला है मजा। ये हमारे साथी भाई लोग हेल्प कराते हुए हमारी, ये अंधेरे में दिख नहीं रहे ना। तो मैं पहुंच चुका हूँ गोडाउन, जब तक वो आते हैं तब तक अपन गोडाउन पहुंच चुके हैं। गोडाउन को कर दिया हमने ओपन और यहाँ पर साफ सफाई चालू। ये आ चुका है हमारा टेम्पो, इसमें हमारा गेट आ चुका है गोदाम पे। अब तो दोस्तों आ चुका है फाइनली, तो हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस, यहाँ पर हमें बहुत सारा वर्किंग होता है। अपनी डांस क्लास से अब निकलते हैं मार्केट की ओर, कुछ खरीदारी का टाइम, तो खरीदारी का टाइम हो चुका है, तो हम निकलते हैं शॉपिंग के लिए। गोटी बाबू चले, गोटी बाबू ये देखिए बाजार की रौनक देखे बनती है शानदार। तो हम आ चुके हैं पटाखा मार्केट में, यहाँ पर देखते हैं हर तरह के पटाखे मिल रहे हैं, जो पसंद आएगा वो उठा लेंगे। अच्छे अच्छे पटाखे, शक्तिमान पटाखे हैं, मोटू पतलू पटाखे ही पटाखे, पूरा पटाखा मार्केट है राजमार स्कूल। दोस्तों यहाँ पर वसूली भाई ने भी अपनी दुकान लगाई है, दुकान नंबर 50 वसूली भाई की दुकान। तो हमने यहाँ पर कुछ चटपटी गोलियाँ खरीद ली है, बचपन की यादें ताज़ा कर ली है, ये थैली बना ली है हमने, मैंगो स्लाइस वगैरह सब कुछ ले ली है और अब निकलते हैं हम आगे की ओर। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार डेकोर होने वाला है, ये नगर की जो दिवाली है वो बहुत ही लाजवाब होने वाली है, आप देखिए इसको डेकोर। तो भाइयों दिवाली आ चुकी है हमारे इवेंट स्टेशन की टीम के लिए, इवेंट स्टेशन के भाइयों के लिए सभी को एक एक पैकेट हम दे देंगे और आज की दिवाली की तैयारी चालू हो चुकी है और कल होगा पूजन। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं स्लीपर लेने के लिए, बहुत ही खतरनाक भीड़ थी नीचे, तो हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं भीड़ तो यहाँ पर भी है। तो दोस्तों हम स्लीपर लेने आए हैं, भैया ने एक स्लीपर ये दिखाई है, साइज चेक कर रहे हैं पहले फिर स्लीपर देंगे, अब भैया डब्बे लेके आ गए। दोस्तों ये वाली चप्पल हमने फाइनल कर ली है, अभी हम इसको पहनेंगे और निकलते हैं यहाँ से। इन सारी चप्पलों में से हमें ये वाली चप्पल सबसे अच्छी लगी, तो हमने फाइनली ये ले ली। तो दोस्तों आपको ये स्कूटी नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी टूट चुकी है ये स्कूटी के टायर, अलग हो चुके, क्वालिटी देखिए। दोस्तों ये आपको स्कूटी नज़र आ रही होगी, जो ये लोग बोलते हैं बिना क्वालिटी के काम करो, ये बिना क्वालिटी के काम करने के नतीजे है। अच्छे लोगों से इवेंट कराए, अच्छा काम कराए, आप खुश रहेंगे। चुके हैं बैंक और यहाँ पर डिपॉजिट करा दिया हमने हमारा अमाउंट, क्योंकि हमें एक जगह ट्रांसफ़र मारना था अमाउंट, और बैंक से हम यही बैंक से अब निकलते हुए फिर से आ चुके हैं दिवाली की लाइटिंग देखने के लिए बाजार के अंदर। तो आप सभी को दिखाते हैं, काफ़ी ज़ोरदार लाइटिंग हो रही है बाजार में, ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ चुका है भैया। तो दोस्तों देखिए जो हमने आपको दिन में दिखाया था ना दोस्तों, वो नाइट का व्यू है, लुक देखिए और इनको भी देखिए। देखिए दोस्तों नाइट को क्या लुक लगता है, आपको मैं वापस से दिखाने लाया हूँ, नाइट का जो लुक है ना वो काफ़ी ऑसम लगता है भैया, मज़ा आया भैया मज़ा। यो है अपनो बिल्लाड़ो, अपना बिल्लाड़ा मतलब अपना भिलवाड़ा, एक थोड़ा थोड़ा गांव से गांव की भाषा होता। सबको दीपावली की ढेर शुभकामनाएं, सबको दिवाली की
ढेर सारी शुभकामनाएं को नीचे लेके आ गए। आप देखिए नगर निगम भीलवाड़ा की दिवाली 2.0, आप देख सकते हैं ये बहुत ही तगड़ा सेटअप होने वाला है और बहुत ही शानदार सेटअप होने वाला है। आज का जो रंगारंग सेटअप है ना, बच्ची है, ये बहुत ही जोरदार होने वाला भैया। आप सभी को हम दिखाते हैं आज की दिवाली का जो सेटअप है ना, आप सब देखिए। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि गनू भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं गरीबों को थाली बांटते हुए की। तो बहुत से लोगों ने बताया और बोला है कि आप थाली देते हो रोज, एक आदमी की हेल्प करते हो और आप क्या करते हो वीडियो डालते हो। और दान करना तो ऐसे करो कि सीधे हाथ से दान करो और उल्टे हाथ को पता ना चले। तो मैंने कोशिश की, कुछ दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाले और मैंने किया है बट मैंने दिखाया नहीं कहीं पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ। 365 दिन करना वैसे ही काफ़ी मुश्किल है, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है। कभी रात को लेट हो जाता हूँ, कभी भूल जाता हूँ, कभी 8 बज जाती, कभी 9 बज जाती, कभी 10 बज जाती, फिर भी थाली लेनी है और वहाँ तक पहुँचानी है, एक बहुत बड़ा टास्क है। सुबह सुबह हो नहीं पाता, सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, मैं खुद भी निकलता हूँ जल्दी जल्दी में, और दिन में सारी मीटिंग्स वगैरह होती है इवेंट्स की, आप सभी को पता है। तो रात को फ्री होता हूँ लेट नाइट, क्योंकि 8 o'clock मेरा पीक टाइम है, मेरी सारी मीटिंग होने वाली, जितनी भी मीटिंग्स होने वाली 8 to 10 होती है, तो मैं 10 बजे के आसपास ज़्यादातर फ्री होता हूँ या फिर दिन में होने वाली मीटिंग्स, तो दिन में भी टाइम नहीं मिलता। और मॉर्निंग में वैसे बहुत सारे पेंडिंग का मॉर्निंग में वैसे बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं तो उनको फ्री करता हूँ। तो अब रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और वीडियो आती रहेगी। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। गुड नाइट, आप सभी को हैप्पी दिवाली, और दिवाली मनाए धूमधाम से अपने परिवार के साथ में। बोलो सांवरिया सेठ की जय।